हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पर वन प्लस नॉर्ड डिवाइस पर आपको गैलरी एप्लीकेशन का नया अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि नया अपडेट आपको बिल्कुल ही ऑक्सीजन ओएस 11 वाला फील देता है। यहां पर आप देख सकते हैं 10.5.8 नाम का आपको इसका ऑक्सीजन ओएस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको गैलरी एप्लीकेशन का वर्जन दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको इसका वर्जन 4.0.77 देखने को मिल जाता है, जो कि फिलहाल में बीटा फेसेस में आया हुआ है। यहाँ पर आपको गैलरी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ऑक्सीजन ओएस 11 पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, कुछ फोटोज वगैरह आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, सब कुछ इसी तरीके का देखने को मिल जाता है। परंतु इसमें आपको जो नया अपडेट है उसमें एक छोटा सा इशू भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिडन कलेक्शन देखने को मिल जाता है। इस पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपसे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आपके जो भी फोटो या वीडियोज होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर शो कर जाते हैं। तो यहाँ पर हिडन कलेक्शन का कोई भी मींस नहीं बचता है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपकी फोटोज देख रहा है और वो थोड़ा सा भी यहाँ पर नीचे कर देता है, उसके कैटलॉग के बाद में आपको यहाँ पर रिसेंटली डिलीट और हिडन कलेक्शन देखने को जाता है। तो यहाँ पर बिना किसी पासवर्ड के आपकी वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है, और रिसेंटली डिलीट पर भी आपको यहाँ पर पासवर्ड मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदा देगा आपको, जो कि यहाँ पर फिलहाल में देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ सेटिंग पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जनरल के अंदर, और ऊपर क्लाउड के लिए आपको यहाँ पर ऑटो सिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप इसका जो वर्जन है वो 4.0.77 देख सकते हैं। आपको ये अपडेट गूगल प्ले स्टोर के द्वारा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको अपने माई एप्स पर टैप करते हुए आपको मैं शो कराऊँ तो यहाँ पर अभी 12 घंटे पहले ही इसको अपडेट किया है। तो यहाँ पर ये अपडेट के बाद में देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका जो अपडेट है वो आज ही 13 अक्टूबर को आया हुआ देखने को मिल जाता है। इस नए अपडेट पर लिखा है, द अपग्रेड वर्जन इंक्लूडेड फिक्स द इशू ऑफ द मैप मिसिंग इन एक्सप्लोरर पेज एंड अनेबल टू एडिट द रिकॉर्डिंग वीडियो। इस पर आप कोई भी वीडियो को एडिट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा कुछ इशू था। ये एक बीटा केसेस है इसका, तो ऐसे कुछ इशूज को यहाँ पर फिक्स किया गया है। साथ में एक्सप्लोरर के अंदर आपको मैप्स का इशू था, वो अभी भी फिलहाल में देखने को मिल जाता है। कुछ हद तक यहाँ पर फिक्स किया गया है, परंतु यहाँ पर कुछ हद तक अभी भी इशू देखने को मिलता ही रहता है। तो इसे आप अगर अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कराना चाहें तो उसके लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर वाली फाइल अगर इंस्टॉल कराना चाहते हैं, आपको अवेलेबल होगा तो आप गूगल प्ले स्टोर वाली इंस्टॉल करा लेंगे, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली इस एप्लीकेशन का बैकअप लेकर के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपके डिवाइस पर डायरेक्टली इंस्टॉल करना है आपको, और यहाँ पर यही ऑफिशियल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे अपने डिवाइस पर अपडेट करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।